हेलो एवरीवन, मैं हूं सुबान और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। अरे तो कभी आप लोगों ने सोचा ही होगा कि एनिमेटेड मूवीज बनाने में इतना पैसा क्यों लग जाता है। हाँ, ये बात तो लगे कि आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, मगर आपको इतना तो पता ही होगा कि ये सब कुछ बनता तो कंप्यूटर पे है। मतलब वो चीज़ जो कम्प्लीटली कंप्यूटर पर बनी है बजाय कि मोशन कैप्चर, मतलब जिसमें वो बंदे से एक्टिंग करवाई जाती है एक सूट पहना के, फॉर एग्जाम्पल गॉड ऑफ वॉर या वो प्लैनेट ऑफ द एप्स वाली मूवी। वैसे देखा जाए तो होती तो वो भी एनिमेटेड मूवीज़ हैं, बट मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन एनिमेटेड मूवीज़ की जो कम्प्लीटली कंप्यूटर पे बनी होती हैं। अच्छा, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इन मूवीज़ में इतना पैसा क्यों लगता है, ये किस किस्म का काम है, मेहनत कहाँ लगती है, पैसा कहाँ लगता है और 2D और 3D एनिमेशन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपकी आँखें खोलने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मोआना, सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स, टॉय स्टोरी 4 और आज तक की सबसे ज़्यादा महंगी एनिमेटेड फिल्म टैंगल्ड। अब सबसे पहले मोआना की बात कर लेते हैं। उसका एक सेकेंड कॉस्ट किया गया $27,233। सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स का $14,535 एक सेकेंड का लगा है और टॉय स्टोरी 4 का $39,682 पर सेकेंड। और आज तक की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म टैंगल्ड, जिसका प्रोडक्शन हाउस को पर सेकंड का बजट है $51,587। अब इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं चार की मैंने बात की है, लेकिन ऐसी हज़ारों मूवीज़ हैं मतलब जो आपकी आंखें खोल सकती हैं। अब इन मूवीज़ में ना ही कोई कास्ट होती है इतनी बड़ी जो एक्टिंग आपके लिए करे, बस कुछ वॉइस ओवर एक्टर्स होते हैं और ना ही कहीं इन्हें बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर शूटिंग करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल एक सेकेंड के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा। अब देखा जाए तो ये है तो एक एनिमेटेड मूवी ही ना, मतलब इसमें स्टोरी क्रिएटर चाहिए होता है, आर्ट डायरेक्टर चाहिए होता है, डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर चाहिए होते हैं, आर्ट वर्क क्रिएटर, साउंड इफेक्ट्स, प्री विजुअलाइजेशन, स्टूडियो कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक एनिमेटेड मूवी इनके बगैर तो बन नहीं सकती, और अच्छे क्रू मेम्बर्स के लिए उनको फ़ीस देनी पड़ती है, उनको फ़ीस देने के लिए थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ जाती है, वरना मुफ्ते में क्या होता है। अब ये बात नहीं है कि आप इतना पैसा लगा कर ही कोई अच्छी एनिमेटेड मूवी बना सकते हो, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो ही चुकी है और लोग भी कौन सा पीछे बैठे हुए हैं। अब वो खुद घर बैठे बैठे एक ऐसी एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं जो देखने लायक होती है। अब काफ़ी आप क्रिएटर्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हो, वो एनिमेटेड मूवी एक बना लेते हैं घर बैठे बैठे और इतनी ट्रेंडिंग पर जाती है। और उसके लिए जो आपको मैंने पहले बताया है कि एक अच्छी स्टोरी चाहिए होती है, कुछ अच्छे डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होते हैं और थोड़ी बहुत एनिमेशन वगैरह आपको आनी चाहिए और बस आपकी एनिमेटेड फिल्म रेडी। वैसे मजाक कर रहा हूँ, इतना भी आसान नहीं होता, ये पागल नहीं बैठे हुए इतना पैसा लगा रहे हैं। अब बात ये है कि ये काम जो है सारा ये लेबर इंटेंसिव है, हर काम के लिए आपको अलग बंदा चाहिए होता है और एक अच्छे बंदे के लिए आपको थोड़ी सी जेब डिलीक करनी पड़ेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत एक एनिमेटेड मूवी पर लगती है उतनी मेहनत एक लाइव एक्शन मूवी पर नहीं लगती। और आप खुद ही देखो कि एनिमेटेड मूवीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब ये आप मोआना मूवी का सीन देख लें, अब ये रियल लाइफ मूवी में पॉसिबल नहीं है, अगर है तो इसमें बहुत ही पैसा लगेगा कंपेयर टू दी एनिमेटेड मूवीज़। अब आपको मैं एनिमे का एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड में 24 फ्रेम्स डालो तो तब जाके ज़रा सी कोई अच्छी क्वालिटी की मूवी बनती है और आपको हर फ्रेम में ज़रा ज़रा सी चेंजिंग करनी पड़ती है। अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एक फ्लिप बुक से। अब फ्लिप बुक का ये हिसाब है कि आपको जो एनिमेशन बनानी है तो अगर पहले भी यूज़ किए तो आपको उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आप रीयूजेबल एनिमेशन बनाते हो और उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो जब आपको चाहिए हो। तो भाई इन दी एंड मैं कहूँगा कि ये काम हाईली लेबर इंटेंसिव काम है, आर्टिस्ट को उसकी वैल्यू के हिसाब से ही पैसे देने पड़ते हैं, अगर कम दो तो भाई क्या करेगा, घंटा करके देगा काम, सर से उतारेगा। अच्छा, तो आपका अगर अभी तक मेरी पिछली बातों से दिमाग ख़राब नहीं हुआ तो मैं आपको एक मूवी का बताता हूँ। 2019 में ये मूवी आई थी, दी मिसिंग लिंक्स। अब हुआ तो इस मूवी में भी फ्रेम बाय फ्रेम काम ही है, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए नहीं हुआ, ये सारा कुछ रियल लाइफ में कैमरे से शूट किया गया। इस तरह की मूवीज़ को स्टॉप मोशन एनिमेटेड मूवीज़ कहा जाता है। आपको इसमें फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए हज़ारों मॉडल्स बनाने पड़ते हैं और इस तरह की मूवीज़ को बनाने में एवरेजली 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। इन दी एंड अगर आप कंपैरिजन करो तो लाइव एक्शन मूवीज़ कंपेयर टू एनिमेटेड मूवीज़ ज़्यादा आसान है, और अगर आप चाहो कि आप किसी एनिमेटेड मूवी को लाइव एक्शन में बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
बट इन सम स्पेशल केसेस लाइक द इमोजी मूवी या स्पाइडर मैन टू द स्पाइडर वर्स, इन मूवीज को लाइव एक्शन में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और मेरे ख्याल से आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, एनिमेटेड मूवी बनानी पड़ेगी। और अब आपको समझ आएगी होगी कि ये मूवीज इतनी महंगी की होती हैं, बट स्टिल अगर कोई सवाल है इस एनिमेशन की दुनिया के बारे में तो कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी अच्छा लगा या इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। ऊपर वाली वीडियो देखें मेरे ब्लेंडर के क्विक आर्ट की, और नीचे वाली वीडियो देखें मेरी ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक गेम की।